सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज की हमारी वीडियो होने वाली है रेडमी मोबाइल के एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो पर भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइज, अगर आप भी यूज करते हैं रेडमी MI का मोबाइल और आपके सामने आ जाता है ये एरर MSA कीप स्टॉपिंग, गाइज ये एरर तब आता है जब आप अपने मोबाइल को अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद गाइज, जैसा कि आपको पता है, जो रेडमी का मोबाइल होता है उसका एक अपना सिस्टम UI होता है जिस पर सभी प्रकार के ये ऐप्स रन करते हैं। तो गाइज, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके किसी भी एप्लीकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे गाइज इस एरर पर पढ़ सकते हैं, सेंड बग रिपोर्ट टू MI4 एनालिसिस। ये गाइज जो सिस्टम UI होता है ये उसी की प्रॉब्लम होती है। तो MI ने बोला गया है अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, इस प्रॉब्लम को आप किस प्रकार से सॉर्ट आउट करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइज हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद गाइज आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व होने वाली है। गाइज यहाँ पर एक स्टेप तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो रेडमी MI ने ऑफिशियली अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बताया है, और गाइज एक दो मैं जुगाड़ स्टेप्स भी बताने वाला हूँ जिससे गाइज बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो गाइज ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपने इस वीडियो को और बता देते हैं क्या होगा इसका सोल्यूशन। देखिए गाइज, सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है और आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है गूगल। आप यहाँ पर गूगल टाइप करेंगे तो गाइज आपको सबसे ऊपर ही यह ऑप्शन दिखाई देगा, आपको क्या करना है इसको अपडेट कर लेना है अगर आपके मोबाइल में इसको अपडेट मांग रहा है तो। उसके बाद गाइज आपको यहीं पर सर्च कर लेना है गूगल क्रोम, आपको इसे भी अपडेट कर लेना है। गाइज देखिए मेरे यहाँ पर ये अपडेट है। और तीसरा गाइज, आपको यहाँ पर अपडेट रखना है अपने मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू। देखिए गाइज, मेरा जो एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू है वो यहाँ पर अपडेट है। ये कर लेने के बाद गाइज आपको बैक आ जाना है। अगर यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है गाइज, इससे क्या होता है मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाती है। लेकिन गाइज अगर आपकी नहीं होती है तो आपको मैं एक ऑफिशियली जो मेथड Xiaomi ने बताया है उसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर चले जाना है और आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको जस्ट इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद मैनेज ऐप्स पर टैप कर देना है। यहाँ पर गाइज आपको सर्च कर लेना है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू। देखिए गाइज, एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू आपके सामने आ जाता है, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको इसे अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक कर देना है। आप ये फोर स्टॉप और क्लियर ऑल डाटा के बीच में जो ऑप्शन देखते हैं आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद गाइज आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइज आपको यहीं पर सर्च कर लेना है क्रोम, यहाँ पर क्रोम आ जाता है। यहाँ पर गाइज आपको सेम प्रोसीजर को दोहराना है, आपको इसको भी अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है। आपको अगेन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर टाइप कर देना है MSA, यहाँ पर गाइज MSA आ जाता है, आपको इसको यहाँ से अनइंस्टॉल अपडेट कर देना है। इसका भी कर देने के बाद गाइज आपकी जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो जाती है। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।